सॉरी सॉरी साहब, प्लीज़ प्लीज़ किसी को मत बताना, मैं जानबूझ के नहीं सोया था, थोड़ी सी आँख लग गई थी साहब, प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। बहुत मुश्किल से जॉब मिली है मुझे, सबने मना कर दिया था, बस इन्होंने रखा है। धन्यवाद साहब आपका पानी देने के लिए। मैं फिर से एक बार माफी मांगता हूं। क्या करूं साहब, दिन में भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूं, इसलिए मैं थोड़ा थक जाता हूं और कभी कभार नींद आ जाती है। वैसे गेट पे तो ताला लगा ही है, इसलिए शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, यह सोच के मैं कभी कभार थोड़ी चपकी ले लेता हूं। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि क्यों मैं दिन में भी काम करता हूं। क्या करूं साहब, मजबूरी है, आखिर पेट का सवाल है, बहुत मुश्किल से यह जॉब मिली है। अच्छा, आपको जानना है तो चलिए मैं आपको शुरू से मेरी बात बताता हूं, फिर शायद आपको सब मामला पता चल जाएगा। मैं आपको मेरी आत्मकथा सुनाता हूं। मैं गुजरात के पोरबंदर के एक छोटे से गांव का आदमी हूँ। वहाँ ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी तो यहाँ शहर में आ गया। सोचा था शहर जाके कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा और कुछ पैसे भी कमा लूँगा, आखिर पापी पेट का सवाल है ना साहब। मैं जब गांव से निकला था तो बहुत आश लेके निकला था, मैं कुछ पैसे कमा के मेरी बीमार माँ का इलाज करना चाहता था। गांव में थोड़ी बहुत जमीन तो थी पर उससे परिवार का गुजारा नहीं होता था, और आप तो जानते ही है कि फसल हर बार सफल नहीं होती। मेरे बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब शहर में तो मैं आ गया था पर क्या काम करता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे गांव का एक दोस्त यहाँ शहर में रहता है तो उसने मुझे यहाँ एक खोली दिलवाई। मेरा दोस्त एक कंपनी में मजदूरी करने जाया करता था तो उसने वह कंपनी के सेठ से बात की और मुझे वहाँ पे काम पे लगवा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरे जीवन की गाड़ी अब पटरी पे आने लगी है ऐसा लगने लगा था, पर कभी कभार नसीब साथ नहीं देता साहब। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं जिस फैक्ट्री में मजदूरी करने जाया करता था वहां अचानक से आग लग गई और पूरी फैक्ट्री जल गई। हमारे सेठ का बहुत नुकसान हुआ था, फिर भी हमारे सेठ बहुत दयालु थे तो उन्होंने हमारी मजदूरी के जितने भी पैसे बनते थे वो हमको दे दिए। मजदूरी करके जो पैसा मिलता था उससे मेरा घर चलता था। मेरी पत्नी और बच्चे तो माँ के साथ गांव में ही रहते थे पर उनको मुझे हर महीना पैसा भिजवाना पड़ता था। पर अब काम तो रहा नहीं था तो पैसा कैसे भिजवाता। फिर मुझे एक उपाय सूझा। हमारी फैक्ट्री का जो वॉचमैन था मैंने उससे बातचीत की और उसने मुझे वॉचमैन की जॉब दिलवा दी। वॉचमैन की जॉब मिलते ही मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे रात की ड्यूटी करनी थी, बैंक के एटीएम के बाहर मुझे पहरा देना था। धीरे धीरे मेरी परिस्थिति अच्छी होती गई और मुझे लगने लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, रात के तकरीबन 2 बजे होंगे, कुछ गुंडे मास्क लगा के मेरी ओर बढ़ने लगे। वो एटीएम से पैसा चोरी करने की फिराक में थे। वो जैसे ही आए
तो मैंने उनको रोकना चाहा, पर वो बहुत सारे थे और मैं अकेला, तो वो मुझे मारने लगे। मैंने भी उनको अच्छा जवाब दिया। हमारी हाथापाई हो रही थी तो अचानक से एक बंदे ने चाकू निकाला और मेरे पे वार कर दिया। मेरा नसीब अच्छा था तो मैं बच गया, मेरे हाथ पे लगी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे जोर जोर से लकड़ी से मारा और मेरा पैर पूरी तरह से तोड़ दिया। ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी तो आसपास के लोग जग गए और बाहर आने लगे, तो वो गुंडे भाग गए। उसके बाद मेरी आंख सीधी हॉस्पिटल में खुली। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा था। मुझे पता चला कि मेरे दाहिने पैर में बहुत चोट आई है, शायद मैं अब ठीक से चल नहीं पाऊंगा। मेरे पैर के साथ साथ मेरे हाथ पे भी बहुत चोट लगी थी। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मैं सीधा ऑफिस गया। वहां मुझे फिर से ड्यूटी ज्वाइन करनी थी तो उन लोगों ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब लंगड़ों पे भी दया करने लगे तो हमारी कंपनी का तो दिवाला निकल जाएगा। मैं चुपचाप बस सुनता रहा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। मैंने कंपनी की इज्जत बचाने के लिए इतना सब किया, गुंडों से भी भिड़ गया मैं, मेरे हाथ पैर तोड़ डाले और ये लोग मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद मेरा हिसाब करके और कंपनी का यूनिफॉर्म वापस करके मैं वहां से चुपचाप निकल गया। एक तरफ मेरा ये हाल था तो दूसरी ओर मेरी मम्मी ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी मौत हो गई। मैं बहुत रोया। फिर मैंने सोचा, अब मेरी पत्नी और बच्चों को मैं यहां मेरे साथ शहर ले आता हूं, शायद यहां उनकी जिंदगी सुधर जाए, और मैं उन लोगों को लेकर शहर आ गया। वापस शहर आने के बाद मैंने नौकरी की तलाश शुरू की, हर जगह घूमा, पर मेरा यह हाल देख के कोई मुझे नौकरी पे रखने को तैयार नहीं होता था। धीरे धीरे पैसे खत्म होते गए और मुझे गांव की जमीन भी बेचनी पड़ी। जमीन बेच के मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल गए थे। मैं मन ही मन सोचता था कि जमीन बेच के जो पैसे मिले हैं वो आखिर कितने दिन तक चलेंगे। ऊपर से शहर के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस, कैसे मैनेज करूंगा मैं ये सब। एक बार तो ऐसा भी सोचा कि सब छोड़ छाड़ के गांव चला जाता हूं, पर वहां भी तो करने के लिए कुछ नहीं था, और तो और गांव में सब लोग ताने मारते वो अलग से। उसके बाद एक दिन जाके मुझे एक उपाय सूझा कि मैं शहर की हर सोसाइटी में जाके बात करूंगा, कोई ना कोई तो मुझे रख ही लेगा। मैं रोज सुबह काम की तलाश में निकलता और शाम को निराश होके घर पे लौटता। मुझे कोई अपने वहां रखने को राजी ही नहीं था। आखिर एक लंगड़ा और टूटे हुए हाथ वाले को कौन जॉब पे रखेगा। मेरी बीवी भी हर किसी के घर पे जाके झाड़ू पोछा और बर्तन मांझा करती थी ताकि कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए, कुछ पैसों की मदद हो जाए। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। सुबह सुबह जो लारी वाले नाश्ता बेचते हैं उनके वहां डिशवॉशर का काम करने लगा। डिशवॉशर का काम करके थोड़ा बहुत ही पैसा मिलता था, ज्यादा से ज्यादा नाश्ता करने को मिल जाता था। दोपहर तक नाश्ता वाला अपनी लारी बंद कर देता था तो मैं वॉचमैन की जॉब की तलाश में हर सोसाइटी में बात करने चला जाता। बहुत
ढूंढने के बाद मुझे ये जॉब मिली है साहब। यहाँ के प्रमुख साहब ने मुझे कहा, जॉब तो मैं तुझे दे दूंगा पर पगार ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। मेरा पगार ज़्यादा ना होने की वजह से मुझे डिशवॉशर का काम भी करना पड़ता है। सुबह यहाँ जॉब खत्म करके मैं सीधा नाश्ते वाले के पास डिश वॉश करने चला जाता हूँ। सब मैं दोपहर तक काम करता हूँ, उसके बाद कुछ घंटे के लिए नींद मिलती है और शाम को फिर यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है। अब मेरी ज़िंदगी में बस यही चाह बाकी है कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाए और कुछ कमाने लगे तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। अरे बातों बातों में बहुत रात हो गई, जाइए जाइए साहब, आपको तो कल सुबह जॉब पे भी तो जाना है। मैं वादा करता हूँ अब से नहीं सोऊंगा, पर प्लीज़ मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा। बस यही आखिरी काम बचा है मेरे पास करने को।